नमस्कार उदय इंडिया के ज्योतिष स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। अंकों के मायाजाल में उलझा है संसार। हम उदय इंडिया पर आपको लगातार अंकों के मायाजाल के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अंकों का मायाजाल आपको बना सकता है मालामाल। आपके जीवन के लिए सटीक अंक क्या हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत अंकों के चक्कर में पड़ गए तो माता लक्ष्मी आपसे दूरी बना लेंगी। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति और सुख शांति आपके लिए सिर्फ सपना बन के रह जाएगी। इसीलिए हम अपने साथ एक बेहद विद्वान और विश्व प्रसिद्ध अंकशास्त्री संगीता शुक्ला जी को लेकर आए हैं, जो आपके लिए अंकों के मायाजाल की गुत्थियां सुलझाएंगी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने का सिलसिला। थैंक यू अंशुमन जी, और मैं सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी। संगीता जी, सबसे पहला सवाल यह है कि नाम की स्पेलिंग बदलना लोगों की जिंदगी कैसे बदल देता है? इस प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल लोगों का नाम चेंज करने तक लागू होता है या फिर कहीं और भी इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए अंशुमन जी, नाम की जो स्पेलिंग है वो सिर्फ व्यक्तियों के नाम तक ही सीमित नहीं है। नाम की जो स्पेलिंग है, आपका कंपनी का नाम हो गया, आपके प्रोडक्ट का नाम हो गया, आपके घर का नाम हो गया और फिल्म का नाम, तो कहीं भी जहां आप किसी भी पर्टिकुलर नाम को रखते हैं तो उस नाम का जो वैल्यू है वो सही होती है तो वो चीज सफल हो जाती है, और अगर कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ गई तो वो प्रोडक्ट या वो कंपनी खूब मेहनत करने के बाद भी नहीं चल पाती। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि नेम स्पेलिंग जो है उसको आप अच्छे से समझे कि नेम स्पेलिंग की क्या वैल्यू है, और उसको आप ऐसे ही किसी भी उसमें आके भ्रम में आके उसको मत रखिए। तो नेम स्पेलिंग क्या है, तो आज उसको हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। संगीता जी, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है आप और बहुत गंभीर भी है। आप कृपया सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये कैसे होता है। देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये, अगर मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाती हूँ, इससे लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या है। देखिए, जैसे हम सभी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट का नाम होता है, जैसे हो गया रिबॉक। रिबॉक कंपनी है, जो शूज की कंपनी है, इतनी मशहूर है, इतने महंगे उसके जूते मिलते हैं, लेकिन विश्व विख्यात है वो कंपनी। तो क्यों? क्योंकि रिबॉक का नाम जो है वो 23 पे आता है, 23 = 5, तो 5 पे आता है रिबॉक का नाम, इसलिए वो कंपनी आज बहुत ही सफल है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा नाम लूं तो अमूल कंपनी, हमारे गुजरात की, अमूल प्रोडक्ट जो है वो भी पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाए हुए हैं, और सालों से, क्योंकि उसका जो नाम है उसका भी 14 आता है, और 14 मतलब 5, तो अमूल भी ऐसे हो गया। इसी प्रकार एक अल्टो गाड़ी, जो टाटा के अल्टो है, अल्टो गाड़ी भी इतनी मशहूर है कि मिडिल क्लास के लिए, उसके लिए ये गाड़ी खूब चली, क्योंकि उसका नाम भी जो है, उसकी जो वैल्यू है वो 15 पे आती है, तो 15 = 6। एक और उदाहरण दे देती हूँ, फोर्ड जी, तो फोर्ड गाड़ी है वो भी 21 पे आ रही है, तो वो 3 है उसका वैल्यू। तो इस प्रकार कोई भी प्रोडक्ट का नाम है उसको आप समझो कि उसका जो नाम है, अब ऐसे ही मैं एक जो सफल नहीं है उसका उदाहरण देती हूँ, जैसे किंगफिशर। किंगफिशर जो थी एयरलाइंस, कितनी उन्होंने पैसा खर्चा, लोगों को शुरू शुरू में खाना भी दिया, अंदर म्यूजिक भी सुनाया, सबको रेडियो वगैरह भी अंदर दिए, ईयरफोन वगैरह दिए, बहुत उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन किंगफिशर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो नाम था वो 8 नंबर पर आ गया। अच्छा, 35 = 8, तो वो शनि का ग्रह है, इसलिए वो कंपनी इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद भी नहीं चल पाई। अच्छा, अब हमें पता चला कि नामों का कितना अहम महत्व है। आपने बहुत सरलता से समझाया, कृपया बताइए, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू, मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रहा हूँ। शेवरलेट गाड़ी जो है वो भी नहीं चल पाई, क्योंकि वो भी 4 नंबर पे आ रही थी। तो इसी प्रकार जो प्रोडक्ट के नेम है उसको आपको, उसका नाम जो है बहुत जरूरी है। अगर उसका नाम सही वैल्यू पे है
तो वो खूब चलेगा। अच्छा, क्या आप कुछ घरों के नाम का उदाहरण देकर हमें समझा पाएंगे क्या? हाँ, घरों के नाम से पहले मैं कुछ कंपनी के नाम भी बताना चाहूंगी आपको। अब जैसे गूगल जी है, गूगल गूगल तो आज हर एक को, आप बच्चे बच्चे को पूछ लो, गूगल की वैल्यू जो है वो भी 28 पे आ रही है। तो 28 इज इक्वल टू वन, वन तो वन जो सूर्य। है वो सूर्य का नंबर है। इसी प्रकार उदय इंडिया, उदय इंडिया जो है, जो मैगजीन थी वो 5 जी पे आ रहा था उसका नंबर, तो वो भी खूब अच्छा। चली। और अब जो उदय इंडिया डिजिटल, अच्छा वो 6 नंबर पे है। तो आप देखना, कुछ ही समय में यह कंपनी आसमान को छूने लगेगी और उदय इंडिया डिजिटल अपना एक अलग ही मुकाम पे पहुंचेगी और दुनिया में नाम रोशन करेगी, संगीता जाके मुंह में एल घी आई शक्कर सी इंडिया। मैं तो अब मेरे ख्याल से दर्शकों को इसमें कुछ मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का नाम रखने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट का नाम रखने से पहले उसकी वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है। बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अभी आप अच्छा, पूछ रहे थे मुझे, घरों के नाम के बारे में पूछ हाँ, रहा था। घरों के नाम के बारे में आप पूछ रहे थे। अब घरों के नाम के लिए भी मैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनको भी सावधान करना चाहूंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स देखो प्रॉपर्टी तो बना देते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का जो उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम जो है वो अगर गलत वैल्यू पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी हमेशा स्ट्रगल में रहती है। सोसाइटी में या तो मेंबर्स स्ट्रगल में रहते हैं, या वो सोसाइटी जो है वो इतना अच्छा आगे नहीं चल पाती है जितना उस सोसाइटी को चलना चाहिए। अब मैं कुछ अच्छी सोसाइटियों के नाम जो सही वैल्यू पे है आपको उदाहरण देके समझाना चाहूंगी। जैसे अंबर, जी मैंने काफी रिसर्च किया और देखा कि अंबर नाम की जो सोसाइटी होगी वो हमेशा अच्छी होगी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 10 पे आ रही है और नंबर वन हुआ, 10 मतलब। उसके नंबर बाद है दैविक, दैविक भी सोसाइटियों का नाम होता है, तो वो भी जो है 15 पे आता है, 15 इज इक्वल टू 6। फिर करिश्मा, करिश्मा भी लोग सोसाइटी का नाम रखते हैं या अपने घर का नाम भी रखते हैं करिश्मा, तो करिश्मा भी जी जो है वो 19 पे आता है, इज इक्वल टू 1। ऐसे ही नक्षत्र, नक्षत्र कुछ प्रोडक्ट का नाम भी है और कुछ सोसाइटी का नाम भी है, तो वो भी खूब चल रहा है, क्योंकि नक्षत्र जो है वो 24 पे है और वो 6 पे आ रहा है। लेकिन जो गर्दिश में, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे कि जी अगर सोसाइटी का नाम सही नहीं है, आपने जो प्रॉपर्टी का नाम सही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जी के जो है वो हमेशा उसके जो तारे हैं वो गर्दिश में रहते हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करती। संगीता जी, भारत को फिल्मों का देश माना जाता है, बॉलीवुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बॉलीवुड हो गया, साउथ इंडस्ट्री हो गई, तो आप दर्शकों के लिए हमारे कुछ फिल्मी हस्तियों या फिल्मों के नाम के उदाहरण समझाएं कि जिन्होंने अपने नाम में बदलाव करके अपना मुकद्दर बदल लिया, ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, क्योंकि फिल्में लोग बहुत देखते हैं। देखिए, सभी पिक्चरें देखते हैं और फिल्मों के नाम में तो सभी ने मेरे ख्याल नोटिस किया ही होगा कि फिल्मों के नाम में कहीं ना कहीं एक लेटर ए, ई या कुछ वो लोग बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले न्यूमरोलॉजी में बहुत मानते हैं, तो फिल्मी हीरो हीरोइंस जो है उन लोगों ने भी अपने नाम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज किया है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, जो हीरो हीरोइन जैसे आयुष्मान खुराना, अब आयुष्मान खुराना ने अपने नाम के अंदर ए और आर लेटर को बढ़ाया, तो आयुष्मान खुराना जो है बहुत ही सफल हमारे एक्टर हैं। इसी प्रकार राजकुमार राव, राजकुमार राव ने भी अपने नेम स्पेलिंग में ए लेटर को बढ़ाया है। इस प्रकार जो फिल्म का नाम है शुभ मंगल सावधान, अब शुभ मंगल सावधान का इन्होंने पहले इस फिल्म का नाम जो है इन्होंने चेंज नहीं किया, इसलिए वो जो फिल्म है वो इतनी कुछ खास चली नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा कि उसके नए पोस्टर लगने लगे। अब नए पोस्टर में उन्होंने चेकिंग करवा के उसके अंदर ए लेटर को बढ़ा दिया। अब अच्छा, ए लेटर को बढ़ाया, उसके बाद जो है वो फिल्म कुछ जो पहले बिल्कुल फ्लॉप जा रही थी, उसके बाद वो पिक्चर कुछ ना कुछ चलने लगी। हाँ, ये इसके तो बाद हुआ में था। जुड़वा टू, जुड़वा टू पिक्चर में भी इन्होंने ए लेटर को बढ़ाया है।
हाँ डबल और ए, सुनील जुड़वा का शेट्टी, डबल ए कर दिया था उन्होंने। हाँ जी, और सुनील शेट्टी ने भी अपने नाम के अंदर ई आई और ई को उन्होंने जगह दी है। और गोलमाल अगेन जैसे पिक्चर है, इस पिक्चर में भी ए लेटर को बढ़ाया गया था, गोलमाल मा एम डबल ए एल कर दिया गया था। और अच्छा रानी मुखर्जी ने क्या किया कि हाँ मुखर्जी ख में के एच आता है, अब के एच से उनकी जो वैल्यू ठीक नहीं हो रही थी तो उन्होंने एच को हटा दिया और रानी मुखर्जी कर दिया। अच्छा एच हटा दिया हाँ उन्होंने। हाँ जी। और इसी प्रकार जावेद जाफरी ने भी अपने नाम के अंदर एफ को बढ़ाया है। ये तो कुछ अच्छा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि जिससे क्या है दर्शक हमारे जो है अच्छे से समझ सके कि फिल्मों के अंदर अब जैसे अभी बहुत ये फेमस हो रहे हैं हमारे वेदांत, जो उसके स्विमर वेदांत को बहुत सारे मेडल्स मिल रहे हैं नेशनल इंडिया, और उसमें माधवन के बेटे जो वेदांत माधवन है, के बेटे। हाँ अब आर वेदांत माधवन के की बेटे। स्पेलिंग को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उसने भी डबल ए लगाया हुआ है, VEDAA NT। तो नेम स्पेलिंग बहुत जरूरी है परफेक्ट उसके अंक पे आने के लिए, क्योंकि देखो सफल मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन बिल्कुल मेहनत करने के बाद सफलता कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है, सभी को प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका नाम सही वैल्यू पे आए और वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसके उनका फल बहुत अच्छे से उनको पूरा फल मिले। बिल्कुल। अच्छा एक प्रश्न इस पर यहाँ आता है, हमने काफी सारे एपिसोड भाग्यांक और मूलांक पर किए हैं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि जुड़वा बच्चे जो कि एक ही समय में पैदा होते हैं, उनका भाग्यांक और मूलांक लगभग एक जैसा होता है, तो उनके भाग्य अलग कैसे हो जाते हैं? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशुमन आपने कि जुड़वा बच्चे, अब देखो सभी लोगों को यही लगता है कि जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है या जुड़वा भाई बहन कुछ भी है, उनका भाग्य एक ही जैसा होगा। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि देखो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखें तो उनका जो भाग्य है वो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल में भी देखा गया है कि उनकी नाड़ी अलग अलग होती है। जैसे तीन नाड़ी होती है व्यक्तियों के शरीर के अंदर, तीन आदि प्रकार की अंत और नाड़ी में से मध्य। कोई भी एक नाड़ी होती है, तो उन जुड़वा बच्चों की नाड़ी जो है वो भी अलग अलग होगी, वो एक नहीं होगी। तो नाड़ी एक तो अलग हो गई, ऊपर से जो उनका नाम है, देखो दोनों बच्चों का नाम आप सेम तो रखोगे नहीं, दोनों बिल्कुल बच्चों के नाम में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रखोगे, अंडी बंटी या इंदु बिंदु कुछ भी आप नाम रख सकते हो। तो ऐसे बिल्कुल नाम रखते हैं जो राइमिंग में आए मोस्टली लोग, लेकिन उसको समझते नहीं है कि अगर एक की वैल्यू सही आ रही है तो दूसरी की वैल्यू भी क्या सही आ रही है, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है दूसरे की। तो स्पेलिंग चेंज होने से क्या होता है कि उस बच्चे का भाग्य अलग हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि जुड़वा बच्चों का जो भाग्य है, दोनों जुड़वा बच्चे जो है वो प्रगति करें। अगर दोनों की वैल्यू सही नंबर पे आ रही है तब तो दोनों खूब वैल्यू अपने प्रगति करेंगे, लेकिन अगर एक बच्चे की वैल्यू ठीक आ रही है और दूसरे बच्चे की वैल्यू ठीक नहीं आ रही है तो एक बच्चा जो है वो प्रगति करेगा और दूसरा थोड़ा स्ट्रगल कर भी सकता है। तो इसलिए मैं तो कह रही हूँ सिर्फ जुड़वा बच्चों के ही नहीं, सभी बच्चों के नाम जो है वो सही वैल्यू पे आने चाहिए। और मैं तो ये भी आज कहना चाहूंगी कि जो अभी माँ बनने वाली हैं या जो माँ बन गई हैं तो हॉस्पिटल में जाके सबको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि भाई बच्चे का नाम आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा के उसको सही वैल्यू पे लाइए, क्योंकि वो बच्चा जो अकारण जो है वो आगे जाके संघर्ष ना करे। अब जैसे अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है तो धीरे धीरे लोग नाम चेंज करना समझ रहे हैं कि क्यों नाम चेंज करना चाहिए। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि स्क्रीन पर नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है संगीता शुक्ला जी का, वो संगीता शुक्ला जी दुनिया में जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उनका नंबर है 7678427245। आप उन्हें मैसेज करिए, अपनी क्वेरी उन्हें बताइए और अपने बच्चों का भाग्य सही करवाइए, अपने घर मकान के नंबर्स चेक कराइए और आपको उनसे बहुत सही राय मिलेगी। ये उदय इंडिया का वादा है।
संगीता जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि नेम स्पेलिंग को कहां और कैसे बदला जा सकता है, कृपया दर्शकों को बताएं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये भी अंशुमन आपने, कि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए, मैं पहले तो यही कहूंगी कि आप बचपन से ही बच्चे का नाम सही वैल्यू पे लाइए, लेकिन अब अगर बड़े होके अगर हमको नाम स्पेलिंग में कुछ चेंज करना है तो लोग घबरा जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो ये नाम लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये रास्ता निकाला है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग खूब एक्टिव हैं, सभी लोग मोस्टली सोशल मीडिया को यूज करते हैं, सभी का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो है लिंक्डइन, फेसबुक, इन सब जो भी हमारे सोशल मीडिया है इनमें अपना नाम अगर आप चेंज कर सकते हो, इसमें तो इजीली नाम चेंज हो भी सकता है, इसमें कोई पैसे लगते भी नहीं है, आपका जो अकाउंट है उसमें आप जाइए और उसकी सेटिंग्स में जाके आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो और अगर जो लोग जिनके नेम स्पेलिंग की वो क्या करते हैं आगे नेम प्लेट लगती है, अगर आप नेम प्लेट में अगर चेंज कर देते हैं, और भी अगर और थोड़ा और आप बोले कि आप अपने विजिटिंग कार्ड अगर छपवाते हैं तो वह नई स्पेलिंग से छपवा ले, उसमें भी कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपके अलमारी में पड़े रहते हैं, वो कभी कभार जब आपको काम पड़ता है, लेकिन जितना आपका नाम ट्रैवल करता है सोशल मीडिया के थ्रू उतनी आपको उस नेम की पॉजिटिविटी मिलने लगती है। तो मतलब इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो नाम जिस स्थान पर दूसरों के सामने आता है उसे बदलने से भाग्य बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अनीता जी, आपने बहुत अहम और बहुत कीमती जानकारियां दी हमारे उदय इंडिया के दर्शकों को। पहले हम आपसे वीकली शो करते थे, लेकिन आपके पास समय की कमी है, इस वजह से हम आपका डेली शो करते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से आप वीकली शो कर पाएंगे आपका, लेकिन आपने जो जानकारियां दी हैं बहुत बेशकीमती हैं, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वो संगीता जी के शो को खुद भी देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, क्योंकि ये जो बातें संगीता जी ने बताई हैं वो सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भाग्य बदलिए और अंकों के मायाजाल को समझिए। तो हमारे इस खास एपिसोड अंकों के मायाजाल में इतना ही। संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों का, और मैं वादा करती हूँ कि एवरी वीक आपके साथ जुड़ूंगी, लेकिन कुछ नया लेके आऊंगी और आप लोगों को उसमें मजा आएगा। तो वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो जी। पूरा हफ्ते भर आप इंतजार कीजिए और कुछ ना कुछ नया जानिए और अपने जीवन में खुशियां पाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।